आई थे यहां कैसे, श्री राम भरत जैसे। दशरथ के नौनिहालों को जग याद करेगा, जग याद करेगा। भजन की एक एक लाइन बहुत ही सुनने लायक है, आपके दिल को छू जाए तो तालियों से आशीर्वाद देना। भाई थे यहां कैसे, श्री राम भरत जैसे। भाई थे यहां कैसे, श्री राम भरत जैसे। दशरथ के नौनिहालों को, दशरथ के नौनिहालों को जग याद करेगा, जग याद करेगा। भाई थे यहां कैसे, श्री राम भरत जैसे। चला जब वन से आ गए रघुराई, पता चला जब वन से आ गए रघुराई। जब महात्मा भरत को पता चला कि मेरे भाई 14 वर्ष का वनवास काट कर आ गए, तो जो खड़ाऊ थे उनको सर पर रखकर चल दिए भाई से मिलने के लिए। पता चला जब वन से आ गए रघुराई, पता चला जब वन से आ गए रघुराई। चल दिया खड़ाऊ सर पे रख करके भाई, पता चला जब वन से आ गए रघुराई। पता चला जब वन से आ गए रघुराई। चल दिया खड़ाऊ सर पे रख करके भाई, वनवास के 14 सालों को, वनवास के 14 सालों को जग याद करेगा, जग याद करेगा। भाई थे यहाँ कैसे, श्री राम भरत जैसे। इतना त्याग कोई नहीं कर सकता, आज तो भाई का समय खराब आ जाए तो भाई की बुराई करने लगते हैं। वनवास दिया गया था भगवान श्री राम को, लेकिन महात्मा लक्ष्मण जी का क्या दोष था, उनका कोई दोष नहीं था। कैकेयी के कहने पर वनवास दे दिया, लेकिन भरत जी के जो मन में थी वो यही थी कि मेरे बड़े भाई राजपाट करें अयोध्या में, और क्या बता दिया भला। सुनी थी अयोध्या आज सुरग का धाम बने, सुनी थी अयोध्या आज सुरग का धाम बने। थी भरत की मन की चाही राजा राम बने, सुनी थी अयोध्या आज सुरग का धाम बने। सुनी थी अयोध्या आज सुरग के धाम बने। भरत की मन की चाही राजा राम बने। इन त्याग के मस्त ख्यालों को, इन त्याग के मस्त ख्यालों को जग याद करेगा, जग याद करेगा। भाई थे यहाँ कैसे, श्री राम भरत जैसे।
रखा भेस फकीरी भरत का गरज जटाओं में, था भेस फकीरी भरत का गरज जटाओं में, चरणों में राम के गिरा उठा लिया बाहों में, था भेस फकीरी भरत का गरज जटाओं में, चरणों में राम के गिरा उठा लिया बाहों में, उन भरत के उलझे बालों को, उन भरत के उलझे बालों को जग याद करेगा, जग याद करेगा। भाई थे यहाँ कैसे श्री राम भरत जैसे, जन के अंतिम लाइन में कवि ने निचोड़ कर दिया कि जब भगवान श्री राम अयोध्या लौटे तो पूरी नगरी में खुशी थी, सबको खुशी थी, लेकिन दो व्यक्ति ऐसे थे जिनके चेहरे उतरे हुए थे, खुशी नहीं थी। कौन थे वो दो व्यक्ति, कोई बता सकता है? दो व्यक्तियों को बिल्कुल खुशी नहीं थी। कौन थे वो? एक तो सुग्रीव, एक विभीषण। उन्होंने देखा कि भाइयों के बीच विवाद भी था राजपाट को लेकर, लेकिन आज भगवान श्री राम अयोध्या लौटे तो क्या खुशी दौड़ रही है, ढोल नगाड़े बज रहे हैं। और एक हमने अपने भाई मरवा दिए, चाहे मेरा भाई गलत था लेकिन मुझे उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। कहते ना घर का बेदी लंका ढाए, वो विभीषण वाली कहावत है। सुग्रीव ने अपना भाई मरवा दिया बाली, और विभीषण ने रावण मरवा दिया। भाई का साथ देना जितना भी हो सके। और आइए लास्ट बात में कभी बताए, सुग्रीव विभीषण कर मठ थे खोए खोए, सुग्रीव विभीषण कर मठ थे खोए खोए, श्री राम भरत का प्यार देख करके रोए, सुग्रीव विभीषण कर मठ थे खोए खोए, सुग्रीव विभीषण कर मठ थे खोए खोए, श्री राम भरत का प्यार देख करके रोए, असुओं के भीगे गालों को, असुओं के भीगे गालों को जग याद करेगा, जग याद करेगा। भाई थे यहाँ कैसे श्री राम भरत जैसे, भाई थे यहाँ कैसे श्री राम भरत जैसे, दशरथ के नौ निहालों को, दशरथ के नौ निहालों को जग याद करेगा, जग याद करेगा, जग याद करेगा, जग याद करेगा। कह देना जय श्री राम।